प्रदेश सरकार ने हिमाचल के होटल्स को खोलने की अनुमति कुछ दिन पहले प्रदान कर दी थी। यही नहीं, पर्यटकों के लिए भी हिमाचल के द्वार खोल दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सोलन में 90% होटल बंद पड़े हैं। लेकिन अभी भी सोलन में पर्यटक बाहरी राज्य से पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से यहां के लोगों में दहशत देखी जा रही है। अब सोलन कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरना आरंभ कर दिया है। सोलन कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो भी आदेश प्रदेश सरकार ने दिए, उसका अनुसरण प्रदेश की जनता ने किया। लेकिन अब अचानक पर्यटकों के लिए बॉर्डर को खोलना तर्कसंगत नहीं है, जो तपस्या प्रदेश की जनता ने 3 महीने तक की, उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा ने कहा कि हिमाचल सरकार गोवा की तरह नकल कर पर्यटकों के रूप में कोरोना को हिमाचल में आमंत्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल से सटे राज्य में अभी कोरोना संक्रमण बहुत ज्यादा है, ऐसे में हिमाचल कैसे सुरक्षित रह पाएगा। प्रदेश सरकार को अपने इस फैसले पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में स्कूल, कॉलेज, मंदिर, गुरुद्वारे और तमाम कार्यक्रम बंद है, उसके बावजूद भी होटलों को खोलना एक हास्यप्रद निर्णय है। उन्होंने कहा कि जो भी पर्यटक कोरोना टेस्ट करवाकर हिमाचल में आ रहा है, वे रास्ते में कहीं संक्रमित होकर आता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। उन्होंने कहा कि होटल व्यवसायी इस निर्णय का विरोध कर रही है, लेकिन न जाने क्यों प्रदेश सरकार होटलों को खोलने की जिद पर अड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का दायित्व है कि वे प्रदेश को आपदा से बचाए, लेकिन यहाँ आपदा रूपी कोरोना को प्रदेश में आमंत्रित किया जा रहा है। सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के लिए आगमन खोला है, ये पता नहीं क्यों सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। सरकार ने शायद गोवा की नकल की है, जबकि हिमाचल प्रदेश की और गोवा में बड़ा फर्क है। हिमाचल प्रदेश के नज़दीक पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे क्षेत्र हैं, और जहाँ पर अभी कोरोना काफ़ी है, और सरकार ने जो ये नियम लागू किए हैं, हिमाचल में तो सब कुछ बंद है, मंदिर बंद है, स्कूल बंद हैं, हर कार्यक्रम बंद है, छोटे फंक्शन बंद हैं, शादियाँ बंद हैं, बहुत छोटे तरीके पे हो रही हैं, तो ना जाने ये फैसला क्यों किया कि पर्यटक मर्जी से आए। और यहाँ पर वो पहले 72 घंटे का अपना कोरोना टेस्ट लेके आए जो नेगेटिव हो। अब सरकार ये कैसे तय करेगी कि जो ये टेस्ट हुआ है वो क्या सही लैब से हुआ है, या ICMR द्वारा जो लैब डिक्लेयर की गई है इस टेस्ट के लिए, क्या वहाँ से हुआ है। सरकार के पास इसको जांचने का कोई साधन नहीं। अब जो लोग अपना टेस्ट करवा के भी आएंगे, रास्ते में किससे मिलते हैं, कहाँ रुकते हैं, कहाँ खाते हैं, वहाँ से अगर वो पॉजिटिव होके आ गए तो हिमाचल का हाल क्या होगा, ये बात सोचने वाली है। यहाँ पर लोगों को व्यापार मंडल, होटल वाले इसका विरोध कर रहे हैं, मगर सरकार ना जाने क्यों जिद पे अड़ी है कि वो ये काम करेगी। सरकार पहले लोगों को समझे, लोगों की समस्याओं को समझे, लोगों के हालात को समझे, और इस देवभूमि को इस प्रकार की आपदाओं से बचा के रखना है। तो अगर सरकार ऐसे निर्णय लेगी तो यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। आज कर्नाटका में वहाँ के मंत्री ने माना है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, तो सरकार को चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान को देखते हुए, पूरे हालात को देखते हुए, हिमाचल की व्यवस्था को देखते हुए ये फैसला वापस ले, ताकि हिमाचल वासी शांतिपूर्वक और सेफ रह सकें।